अटेम्प्ट आप रहे? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मेंस फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट मेंस मेंस है, तो कैसा गया? काफी अच्छा था, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, आंसर राइटिंग भी काफी सही हो गया, जैसा सोचा था उससे अच्छी हो गई। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग ज्यादातर? इस बार तो मोस्टली मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चन ज्यादा देखे थे इस बार। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के दो तीन क्वेश्चन थे, और मतलब उसके अलावा गवर्नेंस में भी काफी अच्छा पार्ट आया था। और कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंपल था, मुझे ज्यादा टफ नहीं लगा उस पार्ट को, मतलब कैग वगैरह वाला पार्ट आया था तो ज्यादा टफ नहीं था, पॉलिटिकली पार्ट ज्यादा था उसमें, एनालिसिस कम था। अच्छा, प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो आपने प्रीवियस ईयर का एग्जाम दिया, तो और अब जो एग्जाम दिया देखे होंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम, कैसा रहा? उससे टफ था या इजी था? मुझे लगा इस बार इजी है, क्योंकि पेपर जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो टफ लगता है, लेकिन इस बार मैंने देखा तो मतलब इजी लगा, क्योंकि उस प्रिपरेशन में काफी अच्छे से हो रखी थी, इजी था। अच्छा, पॉलिटी से किस किस सेक्शन से आपको लगा कि ज्यादा आए हैं? अर्बन लोकल बॉडीज वाला पार्ट ज्यादा आया था, उसके अलावा फेडरलिज्म वाला पार्ट काफी ज्यादा पूछा था उन्होंने, दो तीन पार्ट भेजा थे, उसके अलावा मतलब इंस्टीट्यूशंस, एक दो इंस्टीट्यूशंस पूछे थे उन्होंने, बस मेजरली वही पार्ट, लेकिन डाइवर्सिटी भी उसमें, तो बस इसलिए। तो कल के लिए क्या तैयारी आपकी? कल के लिए 10 लाख में खुद को बोल रहा हूँ, उसके अलावा प्रिपरेशन हो रखी है, बस आगे घर पे थोड़ा रिवाइज करूंगा कुछ, मतलब शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज करूंगा, बाकी सब ठीक है। अच्छा, जो जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक कहूंगा मैं सबके लिए अभी से, उसके अलावा डरने की बिल्कुल बात नहीं है, जब मैं दे सकता तो मतलब तुम भी दे सकते हो अच्छे से। अच्छा, आपने बताया गवर्नेंस से भी क्वेश्चन थे, तो किस तरह से थे गवर्नेंस के क्वेश्चन? पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर क्वेश्चन था, कि मतलब कैसी चल रही है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर क्या रोल है, ये सब उसके क्वेश्चन क्वेश्चन था उसमें, उसके अलावा मतलब सिविल सर्विस के ऊपर क्वेश्चन था, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन था, कैसी है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन था, ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आए थे। और आपने बात करी इंटरनेशनल रिलेशन की, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? उसमें एक क्वेश्चन आया था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर इंडिया का क्या कनेक्शन है, उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि मतलब वेस्ट हमें वेस्ट चाइना और हमें मतलब एक तरह से काउंटर वेट की तरह यूज करता, तो दो क्वेश्चन ये आए थे इंटरनेशनल रिलेशन, काफी रिलेटेड पार्ट था लेकिन इंटरेस्टिंग थे क्वेश्चन। चलिए, हम उम्मीद करेंगे इस बार आपका क्लियर हो। थैंक यू। एग्जाम ठीक गया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब तो यूपीएससी बताएगी और रिजल्ट बताएगी एग्जाम कैसा था। अच्छा, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? नहीं, क्वेश्चन तो किसी सेक्शन से ज्यादा नहीं आते, मतलब जितना विंटेज जिस सेक्शन को मिलना चाहिए उतना ही था, आईआर से 4 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से भी बराबर क्वेश्चन थे, सोशल इशूज और गवर्नेंस सबको बराबर कवर किया गया था, तो ऐसा नहीं है किसी सेक्टर को ज्यादा विंटेज दिया गया हो। अच्छा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे आपने और अब जो देखा होगा, तो उसमें क्या लगा कि पेपर टफ था या इजी था पहले? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि इसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको गैस नहीं किया जा सकता था, तो वो क्वेश्चन थे, और पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन वैसे ही थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो थे जिनका पक्का था कि वो आएंगे, जैसे आईआर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे 4 ही क्वेश्चन थे जिसमें से मालदीव और चाइना वाला, वो आने बनते थे और वो आए भी थे। तो आपने मेंस लिखने से पहले, ये आपका मेंस पहला है या फिर उससे पहले भी देख चुके आप मेंस? ये हमारा पहला मेंस है। अच्छा, तो मेंस के लिए आपने कितनी आंसर शीट लिखी थी इससे पहले, पेपर देने से पहले? इससे पहले हमने मतलब विजन के 18 टेस्ट लगाए थे, दृष्टि के कुछ 20-25 टेस्ट लगाए होंगे, और हाँ, और हमारा मेंटर डेली 5-6 क्वेश्चन दे जाता, तो वो भी लिखे थे। तो आपने इतनी सारी आंसर शीट लिखी, तो आपको लगा कि ये बेनिफिट रहा आपको एग्जाम में देने में, टाइम लिमिट से आप अंदर कर पाए? हाँ, टाइम लिमिट से कर पाए, और उसमें ऐसा था कि लास्ट मिनट तक मतलब पेपर पूरा खत्म हो गया था, जबकि बाकी बच्चों आसपास जब हमने देखा तो बाकी बच्चे लास्ट मोमेंट पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस काट रहे थे, तो कुछ बच्चों का पेपर छूट भी गया उसकी वजह से। और आपने बात करी इंटरनेशनल रिलेशन से, पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन आए थे? पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छे आए थे, जैसे वो उनको टफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे नॉर्मल पूछे जा यूपीएससी पूछता वैसे ही क्वेश्चन थे, और उन्हीं सेक्टर से थे जिन्हें वो यूपीएससी के फेवरेट सेक्टर थे, कैग हो गया और फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गया, सभी से आए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन से आया था क्या कुछ? कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, आर्टिकल 21 भी था आपका, संघवाद था, और कह सकते हो पूरा कैग भी आया था उसमें, तो सारा क्वेश्चन आए थे, और बाकी 20 के 20 तो अभी हमें याद ही नहीं। ओके, अच्छा चलिए, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह प्रिपेयर करें? हमारे हिसाब से बच्चों को आंसर राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का पेपर तो बीच में ही छूट जा रहा है, और दूसरा ये है कि जब आप लिखने बैठते हो तो चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं, जैसे आज हमारे साथ ही हुआ, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आया था कि पेपर लीकेज से के संबंध में एक नया एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, तो उसका आंसर हमने टेस्ट सीरीज में लिखा हुआ था, लेकिन अभी जब लिखा हमने पेपर में तो उसके बहुत सारे फैक्ट्स याद ही नहीं आ रहे थे। हाँ, तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और आंसर राइटिंग करते रहनी चाहिए। तो अच्छा, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से इतनी दूर आया, तो आने में कोई तकलीफ हुई? नहीं, कोई नहीं, प्लेन से आया। ओके, प्लेन से आए। तो इस बार का एग्जाम जो है, किस सेक्शन से आपको लगा कि ज्यादा आए हैं?
मतलब बैलेंस था क्वेश्चन मिक्स टाइप के थे, करंट और स्टैटिक के, क्वेश्चन स्टैटिक की लेकिन उसका करंट का रिलेवेंस अभी जो है वो पूछा था, वो डीएनए वगैरह का बिल का ऐसे थे क्वेश्चन, और आईआर के थोड़े से थे, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक दो लगे। पॉलिटिकल साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे गए कुछ याद है? पॉलिटिकल साइंस से मतलब फेडरलिज्म पे था, नॉन टॉपिक पे थे, लेकिन थोड़ा सा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो करंट का रिलेवेंट था, ऐसे थोड़े से वो लास्ट पार्ट अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, बाकी तो ठीक थे। और जो है गवर्नेंस से क्वेश्चन आए तो वो किस तरह के क्वेश्चन थे? सिटीजन चार्टर, मतलब ई गवर्नेंस वही थे, टॉपिक वही थे, मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था। जीएस वन में थोड़ा सा था अनकन्वेंशनल, ज्योग्राफी का लगा और टेस्टर वगैरह। एंड आपको लगा कि टाइम की कोई दिक्कत विक्कत हुई या फिर टाइम पे हो गया एग्जाम? क्या टाइम की कोई दिक्कत हुई, जैसे 3 घंटे थे तो कम लगे या फिर हो गया? मेरी इतनी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम थी इस साल, इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा टाइम मतलब रश हो गया थोड़ा लास्ट। अच्छा, एग्जाम देने से पहले आपने कितने बार आंसर शीट मतलब प्रैक्टिस की है? मेरा सेकंड मेंस है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाया था इस टाइम में, 6 से 7 दिए थे टेस्ट, ज़्यादा नहीं दिए। और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करिए आपने, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे? उसमें मालदीव्स पे था, और इंडिया चाइना और यूएस के रिलेशन, तीनों में ऐसा था क्वेश्चन, थोड़े से थे कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मैनेजेबल थे जिन्होंने किया है स्टडी उनके लिए। अच्छा, आपने बताया आपका दूसरा मेंस है, तो ऑब्वियसली आपने प्रीलिम्स के बाद क्वालिफाई किया, तो क्या इस बार जो आपने मेंस दिया और पिछली बार जो आपने मेंस दिया, तो उसमें आपके बीच में क्या प्रैक्टिस सही की? प्रैक्टिस मतलब इस साल थोड़ा सा कंटेंट पे ही ज़्यादा मैंने फोकस किया, आंसर राइटिंग थोड़ा सा कम किया, लेकिन ये थोड़ी गलती हो गई ऐसे लगता है, थोड़ा आंसर राइटिंग और ज़्यादा करना चाहिए था, यानी थोड़ी प्रैक्टिस की कमी रह गई इसकी कमी ऐसा लगा मुझे। तो जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं तो आप अपनी गलतियों के बारे में बता रहे हैं, तो वो अगली बार जो गलतियां ना करें उसके बारे में बता सके आप? हाँ, तो इस मतलब प्री और मेंस के बीच में जो है आप सिर्फ टेस्ट पे ही फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, कंटेंट आपका पहले से ही थोड़ा रेडी होना चाहिए तो ज़्यादा फायदा होता है। आप 3 महीने में कंटेंट नहीं बिल्ड कर सकते ज़्यादा, आपको प्रैक्टिस ही ज़्यादा करनी पड़ेगी तब जाके पेपर कवर होगा। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे आपका क्लियर हो जाए इस बार। थैंक यू।